हेलो वीवर्स, आप देख रहे हैं मैक एंड टेक स्किल। सो वीवर्स, आज जो है मैं एक आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो वीडियो जो है पाइपिंग इंस्टॉलेशंस के बारे में है कि किसी जो है होम के लिए, किसी न्यू कंस्ट्रक्शन होम के लिए या न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस के लिए, जो हम ओवरहेड टैंक के लिए या जो वाटर पंप्स के लिए जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं, PPR पाइप की इंस्टॉलेशन करते हैं, और जिस तरीके से जो है वाटर सप्लाई को वाटर टैंक के ज़रिए और जो है वाटर पंप के ज़रिए जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं इस विले की रूफ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो गई है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये देख सकते हैं कि मेरे सामने एक वाटर मैनिफोल्ड है। वाटर मैनिफोल्ड जो है इसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन यानी वाटर हेडर भी कहलाता है। सो ये देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो है एट ब्रांचेस का जो है ये वाटर हेडर है, और इसकी इस तरह से देख सकते हैं नंबर वन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा है किचन के लिए, नंबर सेकंड ग्राउंड फ्लोर का टॉयलेट है जो राइट साइड पे हमारे आएगा, इस तरह नंबर थ्री जो है वो ग्राउंड फ्लोर ऊपर से जा के नीचे जो है इरिगेशन को यहाँ से पानी सप्लाई करेगा, इस तरह से यहाँ पे जो नंबर फोर्थ पे है, नंबर फोर्थ ये हमारे पास जो है यहाँ से फर्स्ट फ्लोर को मूव करेगा, नंबर फिफ्थ ये भी फर्स्ट फ्लोर को, इस तरह जो है नंबर सिक्स ये भी एक ग्राउंड फ्लोर को इरिगेशन सप्लाई करेगा, नंबर सेवन ये भी फर्स्ट फ्लोर को पे तक जाएगा, और इस तरह से देख सकते हैं लास्ट जो पॉइंट है ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ये यहाँ पे हमने रूफ सर्विसेज के लिए रखा है। ये देख सकते हैं ये 32 mm का पाइप है, ये फ्यूचर सर्विसेज, फ्यूचर टॉयलेट देख सकते हैं यहाँ पर, ये फ्यूचर टॉयलेट के लिए WC का पॉइंट, फ्यूचर टॉयलेट के लिए फ्लो ड्रेन ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इस तरह ये वाई बेसन जो है फ्यूचर टॉयलेट के लिए ऑलरेडी एम्बेडेड है वॉल के अंदर, इसी तरह से फ्यूचर टॉयलेट में यहाँ से जो है इसको वाटर सप्लाई का कनेक्शन भी दे सकते हैं। सो व्यूअर्स देख सकते हैं जो भी इंस्टॉलेशन आपने करनी हो कभी भी किसी होम में, घर में, न्यू कंस्ट्रक्शन होम में या बिल्डिंग में, तो इसमें तो टू टाइप्स की जो है फिटिंग्स होती हैं। एक जो है हमारे पास ये UV प्रोटेक्टेड है, आप देख रहे हैं ये पाइप ब्लैक पाइप है और इस पे जो लंबी लाइनिंग बनी है वाइट कलर की, तो ये UV प्रोटेक्टेड PPR कहलाता है। UV यानी अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन देता है ये। सो ये जो है अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड पाइप है। इस तरह ये जो ग्रीन पाइप है ये जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो ये जो है अंडर द टाइल आ जाएगा, तो यहाँ पे टाइल इंस्टॉल हो जाएगी, तो ये जो है ऑलरेडी जो है धूप से बच सकता है और ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होगा क्योंकि टाइल के नीचे होगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये UV है, UV जो पाइप्स हैं ये UV पाइप जो है पाइप को बेहतरीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उस पर एक लेयर होती है ब्लैक कलर की जो स्पेशली जो है अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उससे पाइप को डैमेज होने से बचाती हैं। तो मैं आपको करीब ला के दिखाऊँगा, ये देख सकते हैं ये पॉइंट जो हमारा आ रहा है ये हमारा नीचे की पंप से भी आ सकता है और ये नीचे जो है ओवरहेड टैंक से भी आ सकता है। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसको कंट्रोल किया है, ये देख सकते हैं ये गेट वॉल है इसका, सॉरी डबल यूनियन बॉल वॉल है ये, ये देख सकते हैं डबल यूनियन बॉल वॉल, इसका साइज़ इस पर मैंशन होगा यहाँ पर देख सकते हैं, इसका साइज़ ये रहा DN50 PN25 यानी डाया नॉमिनल, जैसे DN जो है डाया नॉमिनल है, डाया नॉमिनल इसका 50 है और जो PN है यानी प्रेशर नॉमिनल वो 25, यानी ये 25 बार तक सपोर्ट करता है, डबल यूनियन है, इजीली इसको मूव करके रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देख सकते हैं सबसे पहले ये पाइप है, पाइप के बाद ये यहाँ पे 90 डिग्री एल्बो, उसके बाद ये बॉल वॉल, उसके बाद ये देख सकते हैं टी है, टी के बाद ये 75 mm का पाइप है, इसको दोनों साइड से एंड कैप लगा के क्लोज के फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हैं। 75 का क्लैंप्स लगा है विथ थ्रेड रॉड विथ स्टील फिशर, ये देख सकते हैं कॉन्क्रीट फिशर के साथ। इस तरह से मैं आपको ये दिखाऊँगा, ये देख सकते हैं ये जो आपके पास
फ्यूचर टॉयलेट के लिए हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन है, देख सकते हैं इसको, ये देखें इसको ओपन एंड क्लोज इजीली कर सकते हैं, इजी ओपन इजी क्लोज, इस तरह से आप देख सकते हैं ये इजी ओपन इजी क्लोज कर सकते हैं। ये सारे एक ही डायरेक्शंस में हैं, 32 mm के डबल यूनियन बॉल वॉल्स हैं, इस तरह ये वर्टिकल्स लाइंस हैं, और जो ये है टाइल से बाहर रहेंगी तो ये वर्टिकल्स कनेक्शंस हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये डाइवर्ट हो रही हैं डिफरेंट टॉयलेट्स की तरफ, और इनकी डायरेक्शंस जो है एज पर राइजर्स, वर्टिकल राइजर की, जैसे वर्टिकल राइजर की डायरेक्शन जो लोकेशन है उसी हिसाब से इनकी डाइवर्टेशन है। सो ये देख सकते हैं, ये इस तरह से देख सकते हैं डाइवर्ट हो रही हैं, और मैं आगे से दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं यहाँ से कुछ राइजर राइट साइड पे मुड़ते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये फ्रॉम अबव टू बेलो जा रहे हैं। ये देखें यहाँ से ये राइजर ड्रॉप हो रहे हैं ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की तरफ और एक्सटर्नल की तरफ। सो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह, ये देख सकते हैं इसके साइड व्यू। सो व्यूअर्स, जब भी आपको ये वाटर मैनिफोल्ड इंस्टॉल करना हो तो देख सकते हैं वाटर मैनिफोल्ड इंस्टॉल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ये इसको वॉल में हैंग किया जाए इस तरीके से, देख सकते हैं सपोर्ट के ज़रिए, और इसके बाद इसमें प्रॉपर डिस्टेंस, यानी हमारे पास तकरीबन 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये देखें PPR पाइप टू PPR पाइप और PPR पाइप टू PPR पाइप 18 सेंटी का ये डिफरेंस है, और ये देख सकते हैं प्रॉपर डिस्टेंस है यहाँ पे, ताकि ये इसकी लुकिंग भी आपको जो है अच्छी लगे और देखने वाले को ये बेहतरीन फिटिंग के हिसाब से लगे। तो ये देख सकते हैं ये पाइप के मैं आपको साइज़ दिखाऊँगा, ये देख सकते हैं DN 8077 8078 ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का इसका ये कोड है, और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट है, इसका टाइम है, और मेड इन ये केस से है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी वीडियो है ये बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है किसी न्यू बिल्डिंग के लिए, न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आप वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। और सो व्यूअर्स, मेरे चैनल मैक एंड टेक स्किल्स को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली जो वीडियोज़ है आप तक वक्तन फवक्तन जो है पहुंचती रहे। सो व्यूअर्स, अब नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। ओके।